जय श्री राम। मेरा नाम करण सिंह है, मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं आज जिला अध्यक्ष होने के नाते बड़े दुख के साथ मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रही है। प्रेस के माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो गाय तस्करी हो रही है इसको बंद करें। बंद नहीं करेंगे तो जो भी इसका लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होगी उसके लिए ये जिम्मेवार होंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, हमारा काम है सेवा, सुरक्षा, संस्कार, और गौ माता हमारी माता है। अगर कोई माता गौ माता की तस्करी में पाया जाता है तो वो कोई भी होगा उसे हम माफ नहीं करेंगे, चाहे वो कितने भी बड़े स्तर का ऑफिसर होगा या चाहे छोटे स्तर का ऑफिसर होगा, हम उसे माफ नहीं करेंगे। ये मेरा प्रेस के माध्यम से ये मेरी चेतावनी है, क्योंकि बड़े दिन से हम देख रहे थे कि पैंडमिक कोरोना काल है, कोरोना काल में हम धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे, पर जो काम पुलिस ने करना है वो काम गांव के लोग कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के पुलिस को हैंड ओवर कर रहे हैं और फिर भी उनके ऊपर FIR नहीं लग रही है। सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि एक मसला जहां पे बारक पंचायत में, बारक पंचायत का सरपंच और नायब सरपंच एक ही दिन में 28 जन गायों गौवंश की परमिशन देता है, उसके लिए वो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा जहां गजोड़ में वो पकड़े गए, पुलिस भी आई, पुलिस ने उस केस को खुद बुद्ध करने में, मैंने पुलिस को रिटर्न पर्चा भी दिया पर मेरी FIR पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो पंच और सरपंच बाहर ही घूम रहे हैं। इसलिए क्योंकि बड़ा दुख होता है, और जब मैंने प्रशासन से जाके एडिशनल DC से, SSP से, आज तो DC से भी मैं मिला, DC साहब से भी मिला, मैंने उनको कहा कि ये मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ SSP से, SSP साहब कहते हैं कि आप नहीं रिपोर्ट दे सकते, ये DC साहब का काम है, जहाँ एडिशनल DC का काम है, जो सरपंच पंच ये परमिशन दे रहे हैं ये गलत है। फिर मैंने एडिशनल DC साहब से मिला, उन्होंने एक लेटर लिखा, उन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया, आज एक महीना हो गया कोई जवाब नहीं आया। और मैं दोबारा चेतावनी देना चाहता हूं कि जो पंच सरपंच ऐसी परमिशनें दे रहे हैं वो भूल जाएं कि हम क्या कर रहे हैं। आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि इन्होंने कौन सी परमिशनें दे रहे हैं। गाय काटने के लिए जो जा रही हैं उनके लिए परमिशनें दे रहे हैं, अगर वे उसका पैसा खाते हैं तो इनको कीड़े पड़ेंगे, इनके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि गौ माता का श्राप है, उसका हम कोई भी उसका वो चुका नहीं सकता है। इसलिए मैं दोबारा आपके माध्यम, इसके माध्यम, वीडियो के माध्यम से दोबारा ये कहना चाहता हूं कि प्रशासन, पुलिस इस काम को सख्ती से देखे, नहीं जो काम पुलिस नहीं कर रही है अगर वो काम हमारे कार्यकर्ता को करना पड़ेगा, फिर पुलिस को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत से आंदोलन किए हैं, जरूरी होगा अगर दोबारा इन्होंने वो देखना है हमारा पुराना रूप 2 साल पहले से तो ये देख लें। यही मेरा आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मैं दोबारा। और जिन पंच सरपंचों ने कोई भी गड़बड़ी करने की सोची तो वो ध्यान रखें, इसलिए गाय माता सभी की माता है, ना कि मेरी माता है, जो परमिशन दे रहे हैं उनकी भी माता है, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जय श्री राम।